आइए गाया फिल्म दुनिया वालों ने क्या बेटा कमल भैया बिल्कुल ही साधारण सी तर्ज एकदम हल्का गाना कि जो भी हो मेरा इस प्रेम कहानी का जोरदार तालियां माला और माल देकर सच में भैया आपने माला माल कर दिया। हर जगह हम लोग गाते बजाते हैं लेकिन जो प्यार जो स्नेह इस समिति से प्रयागराज के जनमानस से मिलता है बात तो सही है। और ये शिववरण लाल निशा जी सदियापुर किसानी टोला आपके कर्म से इंजान पत्र मुद्रा है धन्यवाद है दादा को। और ये हमारे भैया कह रहे हैं कि माल हम कभी नहीं देते, जो माल आप देते भैया वो कहीं नहीं मिलता, जो स्नेह का माल मिलता है बस उसी का तो भूखा रहता है कलाकार। ये देते नहीं है हम लोग लेते हैं। बीरबल भैया सुनेगा हालांकि कमल भैया फिल्मी गाना कह रहे तेरे जाते ही मेरे मरने की खबर आएगी तो किस इसी अंदाज में गीत को भी लिखा गया है। महाराज चक्रवेणु की रानी एक दिन उदास हो गई, कहने लगे महाराज मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। महाराज ने कहा एक रानी के पास आभूषण नहीं है। तुरंत ही सोनी को बुलाया आदेश देने लगे आभूषण के लिए रानी ने रोक दिया। महाराज मैं इस सोने के आभूषण को नहीं पहनना चाहती हूँ, मैं लंका सोने की है, लंका नगरी से सोना मंगवाइए, उस सोने के आभूषण पहनना चाहती हूँ। राजा चक्रवेणु ने अपने दूत को आदेश देते हुए कहा और जैसे दूत रावण की सभा में पहुंच गया कहा महाराज हमारे राजा का आदेश है। भैया 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 सुन लीजिए, हमारे राजा का आदेश है
कि हमको कर के रूप में कुछ सोना चाहिए, टैक्स के रूप में कुछ सोना चाहिए। और जैसे इतनी बात रावण ने सुनी, तम तमाकर खड़ा हो गया, कहा अरे हम संसार से टैक्स लेते हैं, संसार से कर लेते हैं, और राजा चक्रवेणु का दुस्साहस तो देखो, मुझसे कर की मांग करते हैं। जब इतनी बात रावण ने कह दी नहीं दूंगा, तो देखिए दूत ने आकर सागर के किनारे एक बालू की लंका बना ली। जब बालू की लंका बना ली, राजा चक्रवेणु की दुहाई देते हुए एक कंगूरा गिरा दिया। जब एक कंगूरा गिरा दिया तो हुआ क्या, सुनेगा कंगूरा इधर बालू की लंका का गिरा, लेकिन उधर सोने की लंका का भी एक कंगूरा गिर गया। तो रावण अपने मंत्रियों के साथ सागर के किनारे आ पहुंचा, तो देखिए उस दूत ने कहा, क्या राजा चक्रवेणु के दूत ने कहा, क्या है रावण कि मांगा है कर नहीं कोई चंदा है, पत्थर से सर मारेगा जो देगा ना कर तू। निश्चित मान, अगर तू कर नहीं देगा, पत्थर से सर मारेगा जो देगा ना कर तू, और नहीं देगा जो ना देगा बिपता लेगा, जो ना देगा बिपता लेगा। तो देख रावण कि तेरे बालू की लंका जो गिर जाए, कि तेरे बालू की लंका जो गिर जाए, तो इसके गिरते ही उसके गिरने की खबर आए। धन्यवाद। अगर मैंने ये बालू की लंका गिरा दी, मान तेरी सोने की लंका गिर जाएगी, तो भलाई इसी में है कि सोना कर के रूप में जो हमने मांगा वह दे दीजिए। सोच ले कि देख पालू की लंका जो गिर जाए, तो इसके गिरते उसके गिरने की खबर आए। दस कंधर आप फटक न इधर उधर, जल्दी कर में कर धर। धन्यवाद। दस कंधर आप फटक न इधर उधर, जल्दी कर में कर धर।
युद्ध हो रहा है, वो युद्ध में परास्त नहीं हो रहा है, तो भगवान विष्णु ने को जैसे ही पता चला कि शकुनी राक्षस की तो जान एक तोते में है, तुरंत ही गरुड़ जी को आदेश दे दिया और गरुड़ जी उस तोते को ले आए। जब तोते को ले आए तो कन्हैया अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन अब मंजिल दूर नहीं है। क्यों? क्योंकि शकुनी की जान इस तोते में है। तो सुने लगातार पुरस्कार भेंट कर रहे हैं, धन्यवाद भैया वो, और ये 21 पत्र मुद्राएं भेंट हैं, धन्यवाद है, और ये 101 पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मान श्री वज्रज मानस समिति शिवनगर देवरग मोड़ नैनी प्रयागराज, भैया हमारे अध्यक्ष श्री मनोज कुमार साहू जी, हृदय से धन्यवाद है आपके कृपा से, पुनः 101 पत्र मुद्राएं, धन्यवाद भैया वो। आइए सुने अपना कांधे धर, तो हे धनुधर हे धनुधर हे धनुधर हे धनुधर, अब फटक नहीं धर उधर, धनु अपना कांधे धर, और ये पुनः हमारे बड़े भैया सम्मान श्री विनोद कुमार साहू जी पप्पू भैया सब्जी मंडी नैनी शंकर ढाल शंकर ढाल नैनी, आपके कर कमलों से 101 पत्र मुद्राएं पुनः बड़े भैया को हृदय से प्रणाम कर रही हूँ, आशीर्वाद चाह रही हूँ। आइए सुनेगा हे धनुधर हे धनुधर, आप फटक नहीं इधर उधर, धनु अपना सुंदर सा पुष्पहार
परम सम्मानित दादा हमारे चाचा हमारे सुदामा प्रजापति जी करेला बाग बालू हंडी प्रयागराज और ये एक से पत्र मुद्राएं के साथ सुंदर सा पुष्पहार बार बार लगातार भैया हमारे सुमेश कुमार निषाद जी आप पुरस्कार भेंट कर रहे बहुत बहुत धन्यवाद है माता भवानी सदैव आपके अंग संग रहे और ये एक से एक पद मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मान श्री सदन लाल निषाद जी संरक्षक कृष्ण जन्मोत्सव समिति आपके कर्मों से एक से एक पद मुद्राएं धन्यवाद है भैया को दादा को बहुत अच्छा आयोजन आप भी करवाते हैं जन्माष्टमी के दिन हमारे भैया कह रहे हैं हमको भर नहीं बुलाते हैं अच्छा आपका आशीर्वाद ही चाह रही हूँ मैं हालांकि गाना बजाना हर जगह होता है लेकिन जो प्यार दुलार जो इसने घर में मिलता है आप लोगों के बीच में मिलता है बस इसी की भूखी रहती है ये नीलम विश्वकर्मा जय क्या बात है हमारे दादा बोल धड़ाधड़ सीता रहा और ये सुंदर सी एक डायरी एक पेन और इंक्यान पत्र मुद्राओं का आशीर्वाद सम्मान श्री रघुनाथ लाल प्रजापति शास्त्री नगर सदियापुर इलाहाबाद प्रयागराज आपके कर्मों से ये बहुमूल्य आशीर्वाद भेंट हुआ है धन्यवाद है दादा को आइए तीसरा और अंतिम प्रयास सुनेगा जिस समय सो रहे हैं रात्रि का समय सो रहे हैं सपना सपने में उनके पिताजी आ जाते हैं कहा बेटा कोई ऐसा उपाय कर जिससे मेरी आत्मा को शांति मिले मेरी आत्मा भटक रही है और जैसे पिताजी सपने से बाहर हुए कि भाई सपने में आ गए भाई ने कहा भैया मैं जैसा भी हूँ तो तुम्हारा भाई कोई उपाय अगर पिता के लिए करना तो मेरे लिए ही करना क्योंकि मेरी आत्मा ही भटक रही है मेरी आत्मा भी भटक रही है तो देखिए कहा धुंधकारी ने जब ऐसा धुंधकारी और उनके पिता ने कहा तुरंत ही उठकर सबसे पहले गुरुजनों के पास पहुंच गए गोकर्ण ने कहा हे गुरुवर आज की रात्रि मेरे पिता और मेरे भाई मेरे सपने में आए थे और ये बात कही है तब गुरुजनों ने सारी बात बता दी कि उनके कल्याण कैसे होना है आपको करना क्या है उनकी आत्म शांति के लिए सुने कहा गोकर्ण तुमको 7 दिवस की श्रीमद् भागवत कथा करवानी चाहिए जब श्रीमद् भागवत कथा आप करवाओगे तो तुम्हारे पिता के साथ साथ तुम्हारे भाई का भी कल्याण होगा तो आइए सुनेगा धीरज धर धीरज धर धीरज धर धीरज धर
अरे ओ मेरी महबूबा कमल भाई साहब बैठे हैं और लगता है पुरानी याद आ गई है क्योंकि उस समय के गीत हैं ये। जवाबी होता था, अब आज के जवाबी का तो भगवान ही मालिक है। देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आए। ओ मेरी महबूबा 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 अरे तुझे जाना है तो हमारे भैया हालांकि गाना भी शुरू नहीं हुआ है। उमेश भैया निशा जी हमारे साथ जो ढोलक पर संगत कर रहे हैं भाई मनोज राजपूत के लिए आशीर्वाद आया है। उमेश भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। हो फिल्मी दुनिया वालों ने जब ये कह दिया क्या कि तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर आएगी तो बहन नीलम जी ने भी वहीं से रास्ता निकाला है। और क्या फौरन पकड़ लिया। ज्यादा कुछ बोलने का मतलब नहीं है बहन नीलम जी, इसलिए कि अगर प्रयागराज की पावन धरा पर मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा तो सूरज के आगे दीपक दिखाने का काम हो जाएगा। विद्वान बड़े बड़े जानकार विराजमान हैं। आपकी लाइन बोल रही है क्या जिस समय मंत्री को भेजा गया कि जाओ रावण से कह देना कि कर दो, कर मांगा गया। रावण ने कह दिया अरे मैं तो सभी से कर लेता हूं, भला मुझसे कर मांगने की हिम्मत किसने की है। लेकिन आप लाइन बोल रही है क्या बहन जी, क्षमा चाहता हूं आपकी लाइन कह रही है क्या जो ना देगा विपदा लेगा। ये मंत्री कह रहा है क्या बात है। मंत्री कह रहा है कि देख जो बालू की लंका गिर जाएगी। जरा विचार करने की बात है हमारे विद्वान जान। मंत्री ये कह रहा है रावण से देख जो बालू की लंका गिर जाएगी तो इसके गिरने से उसके गिरने की
पर आएगी। समझ ले बहन जी, यही थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। और पूरा ही गड़बड़। क्यों? क्योंकि मंत्री ने, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हरि अनंत हरि कथा अनंत, लेकिन जब रावण ने इनकार कर दिया था कि जाओ कोई कर नहीं, मंत्री वापस आकर के समुद्र के किनारे बालू की लंका बनाई और उस लंका का एक कंगूरा गिरा दिया, और जब वो कंगूरा गिरा तो उधर सोने की लंका का भी एक कंगूरा गिर गया। जब गिर गया तो रावण घबरा गया, ये क्या हो रहा है? जिसका मंत्री ऐसा है तो भला राजा कैसा होगा? राजा कैसा होगा? और आकर के रावण हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, क्षमा मांगने लगा। और अगर क्षमा मांगने लगा, कंगूरा इधर गिरा, कंगूरा सोने की लंका का गिरा, तो फिर ये लाइन कैसे फिट हो रही है? कैसे फिट हो रही है कि मंत्री ये कह रहा है कि देख जो सोने की, अरे देख जो बालू की लंका गिर जाएगी। वो तो गिरा ही दिया था कंगूरा, कंगूरा गिरा दिया था, उधर असर हुआ और वो सोने की लंका का कंगूरा गिर गया। और फिर आकर के रावण ने क्षमा मांगी और कर को दिया। खैर आपका गीत है, बहुत अच्छा है। जब आप सुनिएगा, अब ऐसा ही कुछ आ जाए, क्योंकि जवाबी है। जैसा जो करता वैसा ही भरता है, कोई दुख देता तो कोई दुख को हरता है। एक बार राजा सूरसेन अपने चारों पुत्रों के साथ जंगल की ओर चले और नदी के किनारे मयंक ऋषि तपस्या कर रहे थे। कमंडल में जल भरा रखा था, लेकिन राजा सूरसेन के एक पुत्र ने बहुत बड़ी गलती कर दी, एक मछली को पकड़ा और मयंक ऋषि के कमंडल में वो मछली डाल दी। जब मछली को डाल दिया, तपस्या भंग हो गई, और जैसे ही तपस्या भंग हुई, मयंक ऋषि क्रोधित हो गए। तीन पुत्र आगे चले गए और जिस पुत्र ने वो मछली डाली थी वो पुत्र, और राजा सूरसेन को सामने जब देखा तो मयंक ऋषि ने कहा, अरे दुष्ट, मैं जानना चाहता हूं कि मेरी तपस्या में ये व्यवधान किसने किया है, मेरे कमंडल में ये मछली किसने डाली है। राजा मुझसे कुछ नहीं बोले। जब कोई जवाब नहीं मिला तो मयंक ऋषि ने कहा, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया, सुन सुन, अरे जो जैसा करता वो वैसा भरता है। We'll be right back.
भाई साहब थोड़ा सा समय का ध्यान देते रहना, नहीं तो आपकी ढोलक बजती रहेगी, हमारा माइक बंद हो जाएगा। क्योंकि आदेश मिल गया है। अरे जो जैसा करता वो वैसा भरता है, अरे कोई दुख देता तो कोई दुख हरता है। क्योंकि आपके गीत में कुछ मुहावरे भी लगे हैं। जैसा करे सो पाए कर नहीं भूल तू। जी जी ऋषि ने कहा क्या? अरे जैसा करे सो पाए कर नहीं भूल तू, पाए कैसे आम अगर पोएगा बबूल तू। अब सुन, तूने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। मैं साफ देता हूं, तेरे जिस पुत्र ने ये काम किया है, उधर मत उंगली दिखाओ भैया, छोटी बहन भाई साहब, भाई साहब, जिस पुत्र ने ये काम किया है, कमल भैया ये काम किया है, मैं साफ देता हूं तत्क्षण उसकी मृत्यु हो जाएगी। और राजन सुन, तेरा ये पुत्र जैसे ही प्राण छोड़ेगा, शेष तेरे पुत्र अपने आप मर जाएंगे। तो लाइन आ रही है नीलम जी, ना कोई बाटे ना कोई बाटे जैसा बोया काटे, जैसा किया है ना कोई बाटे जैसा बोया काटे। तो राजा सुन, नजरों से खुद ही नजर आएगी, नजरों से खुद ही नजर आएगी। भैया साहू जी, ऋषि ने कहा राजन, नजरों से खुद ही नजर आएगी इसके मरने से उनके मरने की खबर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्राप जो मिला होके रहेगा, नजरों से खुद ही नजर आएगी इसके मरने से उसके मरने की अरे खबर आएगी। तो इसलिए चिंतन कर, चिंतन कर बहन जी, लिखा अरे चिंतन कर, चिंतन कर ना कर तन पर तन कर, ना कर तन पर तन कर, तू मन का ना थन कर। चिंतन कर, चिंतन कर ये बहुत बड़ा आशीर्वाद जो लगातार हमेशा मिलता रहता है हमारे आदरणीय भाई साहब श्री मनोज साहू जी, आपकी ओर से ये 501 मुद्राएं, ये पुष्पमाल और ये अंग वस्त्र आपकी ओर से भेंट हुआ है। मैं भाई साहब को प्रणाम कर रहा हूँ, जिसमें 101 मुद्राएं हमारे रचनाकार मामा विमल जी के लिए ये आशीर्वाद मिला है।
और मेरे लिए आपकी ओर से आशीर्वाद आया है। 501 मुद्राएं मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बहुत और पुनः ये 501 मुद्राएं हमारे श्री मनोज भैया साहू जी और उनके सभी हमारे मित्रगण आप सभी की ओर से ये आशीर्वाद आया है। हृदय से प्रणाम है। माता रानी सदा कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक टुकड़ा और सुनिएगा। पहली लंबी लाल वो माँ का, अरे लाल वो माँ का, पहचानी कथा है। पल पाया जैसा नहीं वो पल पाएगा, अपने किए का तू निश्चय फल पाएगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली जयद्रथ को मारने की। और ये पता था कि जो इसका शीश काट करके धरती में गिराएगा उसके सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अर्जुन ने सोच लिया आज प्रतिज्ञा पूरी करना है और करके दिखाया। ये सोच करके अरे जाना अरे वाणी वो असर जो कुछ अर्जुन ने सोच लिया वाणी असर पूरा कर जाएगी। बहन नीलम जी वाणी असर पूरा वही हुआ। अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काट करके उसके उस पिता की गोद में गिराया और जैसे ही शीश गिरा उसके सर के 100 टुकड़े हो गए। अरे वाणी असर पूरा कर जाएगी इसके मरने से उसके मरने तो चिंतन कर चिंतन कर तू मन का ना धन कर चिंतन कर चिंतन कर तू मन का ना हेलो 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 हारमोनियम का बजा। धन्यवाद।
ये तीसरा और अंतिम टुकड़ा सुनो सुनो। हो समय ये कराता सब समय का फिर है। एक एक लाइन को सुनेगा। समय सब कराता ये समय का फिर है। होती है देर ना होता अंधेर है। दो सगे भाई, भाई, दो भाई, एक का नाम था बली, एक का सिखी। उनको श्राप था क्या? और जो श्राप था मिलाया वो मालिक ने कैसा मेलो है। मिलाया वो मालिक ने कैसा मेलो है। अरे इस जग में केवल किस्मत का खेल उनको साफ था कि वो एक दूसरे से ही मारे जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने वो खेल रचा। कैसे? कोई होनी, अरे कोई होनी, अरे कोई होनी अनहोनी ना कर पाएगी। बहन जी, सौ की स्पीड से कलम चल रही है। कोई होनी अनहोनी ना कर पाएगी। इसके मरने से उसके मरने की खबर आएगी। क्या बलि मरेगा तो सिखी ही, और सिखी मरेगा तो बलि, क्योंकि एक दूसरे से ही मरना है। कोई होनी अनहोनी